जैसा कि किसी भी शुभ कार्य से पहले हिंदू समाज में देवताओं का आह्वान किया जाता है, उसी तरह से पहाड़ी समाज में देवताओं का आह्वान करने का एक अलग तरीका है, वो है मांगल गीत। मांगल गीत गा के हम देवताओं को अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए न्योता देते हैं। लेकिन आजकल डीजे, भंगड़े और इस आधुनिकता की दौड़ में कोकटेल, ये सब तो हमारे कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं, पर हम अपने पहाड़ी रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मांगल गीतों से दूर होते जा रहे हैं। तो हम लाए हैं आपको आज एक ऐसी ही खास शादी में, जहां उत्तराखंड से बाहर सेटल होने के बाद भी इस परिवार ने मांगल गीतों को अपनी प्राथमिकता में रखा और वे नहीं भूले कि हम किस तरह अपने रीति रिवाजों को अपने कार्यक्रम आयोजन में शामिल कर सकते हैं। तो आइए आज आपको लेके चलते हैं आज एक इसी तरह की खास शादी में। हमारे साथ है बालेंद्र बडोला जी, जो दिल्ली में सेटल्ड होने के बावजूद भी अपने पहाड़ी रीति रिवाजों से दूर नहीं हुए हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने बेटे की शादी में मांगल गाने वाली टीम बुलाई है। तो हम बडोला जी से जानते हैं कैसे उनके जहन में ख्याल आया कि उन्हें अपने पहाड़ी रीति रिवाजों को जिंदा रखना चाहिए और अपनी मांगल टीम यहाँ जो है बुलाई जानी चाहिए। कैसे आपके जहन में ख्याल आया कि आपको मांगल टीम जो है रखनी चाहिए यहाँ पे, लोग तो दूर होते जा रहे हैं सब चीज़ों से। मेरा बहुत मन था और मांगल जो है हमारे शुभ कार्यों में जो है देवी देवताओं का आह्वान है, और मेरे मन में था कि जब कभी मेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा तो मैं ज़रूर एक मंगल गीत का एक प्रोग्राम अरेंज करूंगा, और रेखा दसवना जी से बेहतर कौन हो सकता था इस कार्यक्रम के लिए कि इतनी पारंपरिक और सबसे लोकप्रिय गायिका हैं। और आज इस शुभ दिन में वो शामिल हुई, उन्होंने मांगल गीत गाए, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ। तो बडोला जी, अपने पहाड़ी लोगों के लिए और कोई संदेश, जैसे कि कोकटेल में डीजे में सब भूलते जा रहे हैं अपनी परंपरा को? नहीं, मैं समझता हूँ कि हमारी परंपरा जो है उसको सजो के रखना ही हमारी जिम्मेदारी है, और हमको ये बैटन जो है आगे अपने बच्चों को उनको देना है। और जितने भी लोग हमारे मेरे मेहमान थे वो सब बहुत खुश हैं इस बात से, और हमने बहुत एंजॉय किया और ये शुभ कार्य जो है इस तरीके से हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद बडोला जी। हमारे साथ हैं उत्तराखंड की जानी मानी लोक कलाकार रेखा दसवना उनियाल जी, जो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए विशेष कार्य कर रही हैं, जगह जगह मांगल गीत गाती हैं। मांगल गीत के लिए उन्होंने बकायदा एक टोली भी बनाई है। तो हम रेखा दसवना उनियाल जी से जानते हैं कि कहां कहां से उन्हें बुलावे आते हैं, देश के साथ विदेशों से भी, और किस तरह से लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो रेखा जी बताइए हमें। हाँ जी, सबसे पहले तो नलिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई और हमें, मुझे तो बुलावा ऑस्ट्रेलिया तक आया था, लेकिन ये कोरोना काल चल रहा है तो इस टाइम फिर जाना मुश्किल हो गया। लेकिन क्या है कि भारत में तो मैं लगती हूँ मैंने सभी जगह मांगल की हैं, जहाँ जहाँ हमारे गढ़वाली लोग हैं, और सबको बहुत पसंद आता है और सब लोग इतना खुश होते हैं हमारी लोक परंपरा। मैंने क्योंकि इस मांगल को जो हमने बहुत लोगों को सिखाया, मैंने आज जो देहरादून में जितनी भी महिलाएं गा रही हैं सब लोगों को हमने सिखाया, मैं और दीदी डॉक्टर हैं डॉक्टर माधुरी बर्थवाल, हम लोगों ने सिखाया। तो आज मतलब मैं समझती हूँ कि पूरा देहरादून में फैली हैं सब महिलाएं, जितनी भी 50-60 महिलाएं, सबको हमने सिखाया मांगल, और आज सब ने अपने अपने ग्रुप बना रखे हैं। तो अच्छा लगता है, लोक परंपरा हमारी दूर तक फैल रही है। हाँ, तो किस तरह से आपसे संपर्क साधा जा सकता है अगर आपको कोई बुलाना चाहता है आयोजन में? मेरे पास मेरा कार्ड है और फ़ोन नंबर है, और लोग लेते हैं मेरा फ़ोन नंबर वगैरह, सब लोग लेते हैं, कार्ड भी है और नंबर, नंबर आप कार्ड ले लीजिए मेरे से, कार्ड मैं आपको दे दूँगी। तो आपकी जो टोली है वो इन तीन लड़कियों की, और आपके साथ जो म्यूजिशियन है और भी लोग हैं? और भी लोग हैं, लेकिन अब क्या कि शायद माहौल थोड़ा सिमट गया है, कोरोना काल चल रहा है, तो इसलिए हमने थोड़ा कम कर रखा है। हाँ, तो आपका क्या नाम है? मैं सुषमा व्यास, और मुझे दीदी ने, रेखा दसवना उनियाल दीदी ने मांगल सिखाए हैं, और हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि हम अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं मांगल के प्रति। आज जितनी भी शादियां हो रही हैं हर शादी में मांगल का ग्रुप जरूर जाता है, तो हमारा सौभाग्य है कि हमें अपनी संस्कृति बचाने का अवसर मिला है। आपका? मेरा नाम रजनी राणा है, और हमें बहुत खुशी होती है कि हम अपने उत्तराखंड में या देश विदेशों में अपने मांगल गीतों का प्रोग्राम करते हैं, और हमें हमारी मैम ने सिखाया है, रेखा दसवना मैम जी ने, तो बहुत खुशी होती है कि जहाँ जहाँ हमारे गढ़वाली लोग हैं वहाँ हमारे मांगल गीत ज़रूर होते हैं। तो आप साथ में पढ़ाई करती हैं, घर संभालती हैं और कुछ? जी, मेरी पढ़ाई तो हो गई है, फ़िलहाल हम इसी चीज़ में काम करते हैं। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम मीनाक्षी रनाकोटी है, मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है,
और मेरा सौभाग्य है कि मुझे रेखा दसमाना उनियाल मैम ने सिखाया और अभी मैं शुरुआत कर रही हूँ और इन्हीं लोगों के शुरुआत कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि आजकल के बच्चे इन चीज़ों में आना नहीं चाहते लेकिन मुझे मौका मिला सौभाग्य मिला मैम से सीखने का और अभी मेरी सिर्फ शुरुआत है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया लेकिन मैं चाहती हूँ इन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ूँ अपनी ज़िंदगी में कुछ करूँ। हाँ जी मैंने अभी 12th करी है। अच्छा 12th की है इन्होंने अभी 12th करके ये रेखा जी के साथ जुड़ गई। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी टोली में यंग जनरेशन जुड़ रही है, यंग जनरेशन आगे आ रही है, लोग कोकटेल और डीजे की धुन में व्यस्त हो रहे हैं और रेखा दसमाना जी अपनी संस्कृति को बचाने के लिए खास प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी मांगल टीवी की ओर से आप लोगों को, मांगल टीम को हार्दिक शुभकामनाएं।